ब्राउज़र ऑन कर लेता हूँ और ब्राउज़र में हम अब जो पेट्रोल पम्प डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑफिशियल साइट है उस पर हम जाने वाले हैं। तो उस साइट के लिए आपको सर्च करना है पेट्रोल पम्प डीलर चेन। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो पहली जो वेबसाइट है यहाँ पे www.petrolpumpdealerchain.in, इस पर आपको जाना है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन शिप है, डीलरशिप देने का जो कार्य है, ये पूरा इसी वेबसाइट पर होता है। यहाँ से आप एप्लीकेंट लॉगिन पर जाके यहाँ पे अपना आईडी बना सकते हैं और जो वैकेंसी आती है जो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्राउचर फॉर सिलेक्शन ऑफ रिटेल आउटलेट डीलर्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्राउचर मिल जाएगा, पूरा प्रोसेस जिसमें दिया हुआ है सिलेक्शन करने का। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पेट्रोल पंप खोलने में कितना खर्च होता है टोटल। तो इसी वेबसाइट पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है पेट्रोल पंप डीलर चैन, इसी से हमें सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अटेंशन फॉर एप्लीकेशन नोटिस जो है, अटेंशन ऑफ एप्लीकेंट्स, इस पर हमें क्लिक करके जो ये देख सकते, जो अटेंशन ऑफ एप्लीकेशन, ये जो पीडीएफ देख रहे हैं इसमें आपको पूरा खर्चा दिया हुआ है। एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, तो जो खर्च है उसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ आरओ, सेकंड है फिक्स्ड फी, उसके बाद है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, फर्स्ट आता है एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, यानी कि वर्किंग कैपिटल जो काम करने के लिए रेगुलर साइट है। आरओ दो तरह के हैं, रेगुलर रूलर, रेगुलर में शहरी आता है और रेगुलर मतलब गांव एरिया। सीसी मतलब होता है कंपनी ऑन जो करती है, वो पेट्रोल पंप सीसी के अंदर आता है और जो डीलर ऑन करते हैं वो डीसी अंदर आता है। तो रेगुलर में आपको वर्किंग कैपिटल 25 लाख है और रूलर एरिया में 12 लाख। आपका साइट किस एरिया में पड़ता है, रेगुलर है या आरओ, वो आप देख लीजिए, इस हिसाब से इतना लाख रुपए आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा। वर्किंग कैपिटल मतलब कि जो आप काम करवाने वाले हैं अपने पंप पे उस पे उसका टोटल खर्च। ठीक है, उसके बाद है फिक्स्ड फी, यानी कि फिक्स्ड फी है जो आपको कंपनी को देना पड़ता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है पेट्रोल पंप के लिए तब आपको कंपनी को पैसा भेजना पड़ता है, उसके बाद ही आपका जो टैंक है, डिस्पेंसिंग यूनिट है, सारा काम उसके बाद होता है। तो रेगुलर साइट में आपको 15 लाख देना पड़ता है और रूलर साइट में 5 लाख देना पड़ता है। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी मतलब कि आपको कंपनी को सिक्योरिटी देना पड़ता है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज में डिवाइड किया गया है सिक्योरिटीज़ को। ओपन कैटेगरी है, ओबीसी है, उसके बाद एससी एसटी है। ठीक है, ओपन टू टाइप्स के, ओपन मतलब जनरल हो गया, ओपन में एक है रेगुलर, अगर रेगुलर सेट में आपको 4 लाख, ओपन में रूलर है तो आपका 4 लाख। ओबीसी लोगों के लिए जो वैकेंसी है उनके लिए रेगुलर 4, रूलर 3, एससी एसटी रेगुलर के लिए 3, रूलर 2, यानी कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे खर्च कम होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपका रेगुलर साइट है, ठीक है रेगुलर साइट है, तो आपका खर्च यहाँ हो गया 25 प्लस 15 आपका फिक्स्ड फी और 5 लाख के आसपास आपका लग जाएगा सिक्योरिटी। यहाँ पे आपका हो गया 45 लाख। सो क्या 45 लाख में आपका पंप रेडी हो जाएगा? मुश्किल है, क्योंकि अभी आपने जो देखा फिक्स्ड फी में तो आपको जो डिस्पेंसिंग यूनिट है, टैंक है, जो कंपनी से प्रोवाइड की जाती है वो सारा देगा। इस पैसा का तो कुछ काम नहीं है, सिक्योरिटी का भी कुछ काम नहीं है, जो है एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। इस 25 लाख के अंदर आपको अपना जो साइट है उसका फिलिंग करवाना होगा, उसको लेबलिंग करवाना होगा। सेकंड होता है कि आपको बाउंड्री वैल करवाना है, उसके बाद जो आपको कंपनी से मैप दिया जाएगा जो सेल्स रूम बनाने के लिए, सेल्स रूम जो टॉयलेट वगैरह जो मैप होता है वो बनाना पड़ता है, उस वो बनाना होगा। उसके बाद आपको कई सारी फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है पंप में, जैसे डीजी होना चाहिए आपके पंप में ताकि लाइट जाए तो आप तब भी आप तेल भेज सके। सेकंड हो गया आपके पास वाटर कूलर होना चाहिए ठंडा पानी देने के लिए। उसके बाद आपको एयर कंप्रेसर डिजिटल इन्फ्लेटर के साथ रहना चाहिए ताकि आप लोगों को हवा दे सके गाड़ी में। और कई लोग तो नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन का तो और भी खर्चा बढ़ जाता है। और कई सारी फैसिलिटीज़ है जो पंप में दी जाती है। तो 25 में तो मुश्किल है होना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी क्या क्या फैसिलिटीज़ जो कंपनी द्वारा दी जाती है और क्या डीलर को खुद खरीदना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको पंप स्टार्ट करने से पहले कम से कम तो
एक गाड़ी तेल लेना ही पड़ेगा, एक गाड़ी से ज़्यादा ही लेना पड़ता है, तो एक गाड़ी का कीमत कम से कम 11 लाख से ऊपर लग जाएगा आपको। तो क्या 25 लाख के अंदर 11 लाख का आपका तेल हो गया जो सेल करना पड़ता है, उस समय तो आपको तेल लेना पड़ता है, तो 11 लाख का तेल हो गया प्लस आपका जो वाल है, फिलिंग है, जो सेल्स रूम का ये है, उसके बाद आपको लाइट लगवाना पड़ता है, उसके बाद आपको डीजी खरीदना पड़ता है, तो क्या ये सारा 25 लाख में होगा? नहीं। तो देख लेते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको जो अपने पंप में देनी पड़ती है। तो इसके लिए हम उसी वेबसाइट पर जाके ब्राउचर डाउनलोड करते हैं जो यहाँ पे है इम्पोर्टेंट लिंक में। देखिए ब्राउचर खुल गया है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है। ये रहा, देखिए टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज, टाइप ऑफ साइट, सीसी और डीसी के लिए, ठीक है। डेवलप लैंड विद बाउंड्री कंपाउंड वॉल, ये आपको देख सकते हैं जो कंपनी ओन करती है उनके उनमें भी डीलर को ही करवाना पड़ता है, और जो डीलर खुद के लिए लेते हैं उनमें भी डीलर ही करवाना पड़ता है, जो भी बाउंड्री का काम है और जो लैंड का काम है। उसके बाद जो टैंक है, डिस्पेंसिंग यूनिट है, सिग्नेट्स है, ऑटोमेशन है, ये कंपनी करती है दोनों ही कंडीशन में। इसके लिए तो आपको 15 लाख रुपये कंपनी को देना पड़ता है। उसके बाद सेल्स रूम, स्टोर रूम, टॉयलेट, इलेक्ट्रिकल रूम, वाटर कनेक्शन, यार्ड लाइटिंग, ETC, ये जो कंपनी अपनी जो कंपनी ओन करते हैं उनमें कंपनी करते हैं लेकिन डीलर को करवाना पड़ता है डीसी साइड में। उसके बाद जनरेटर डीलर को लेना पड़ता है, एक जनरेटर का दाम आपको 15 KVA का 3 लाख से ऊपर पड़ेगा। कंप्रेसर विद इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लेटर लेना पड़ता है जो सीसी कंपनी साइट में कंपनी भी देती है डीलर भी देते हैं, कंडीशन है कुछ। उसके बाद डीसी में डीलर को लेना पड़ेगा। ड्राइववे कंपनी अपने कंपनी करवाती है अपनी साइट पे और डीलर को अपनी साइट पे खुद करवाना पड़ता है। कैनोपी जो होता है ऊपर का सेड, कंपनी जो ऊपर सेड रहता है वो कंपनी करवाती है अपनी साइट में लेकिन डीलर को खुद करवाना पड़ता है। और जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ नेट क्लीनर, टॉयलेट, टेलीफोन एक्सेट्रा, वो डीलर को खुद करवाना पड़ता है कंपनी साइट में भी और डीसी साइट में भी। तो ये सारे फैसिलिटीज़ हैं जो लगभग मुझे नहीं लगता जो 45 लाख जो इन्होंने दिया है उसमें होगा, क्योंकि 45 लाख से इसमें ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लाइटनिंग का काम करवाते हो तो उसमें आपको कम से कम 3 लाख रुपये लग जाएगा, जो स्ट्रीट पोल लाइट जो लगे रहते हैं वैसे ही पंप में लगाना पड़ता है, तो उसमें आपको 3 लाख के ऊपर खर्चा लगवाना लग जाएगा क्योंकि आपको उसका अर्थिंग भी करवाना पड़ता है, प्लस 3 लाख आपको डीजी में लग जाएगा, प्लस आपका एयर कूल वाटर कूलर हो गया, एयर कंप्रेसर विद डिजिटल इन्फ्लेटर हो गया, और उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जैसे कि फायर का आपको फायर एक्सटिंग्विशर का लेना पड़ता है, उसके बाद आपको फायर बकेट लेना पड़ता है, फिर आपको पंप में स्टेशनरी सामान है, उसके बाद आपको जो एक पर्सनल कंप्यूटर रखना पड़ता है हिसाब रखने के लिए, उसके बाद आपको जो कैश रूम के लिए अलमारी, फर्नीचर, टेयर, चेयर्स, बहुत कुछ अपने पंप में। NOC लेने के लिए भी बहुत खर्च करना पड़ता है, जैसे फायर का NOC लेने के लिए उसमें आपको हमारे वेस्ट बंगाल में 1 लाख रुपया जो गवर्नमेंट को चालान पे करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको फायर का लाइसेंस मिलता है। उसके बाद आपको जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ से जो आपको मेजरमेंट करवाना पड़ता है, जो डिस्पेंसिंग यूनिट है, अगर वो आपका मेजरमेंट नहीं किया होगा तो आप पंप स्टार्ट नहीं कर सकते, तेल नहीं दे सकते, वो मेजरमेंट करवाना पड़ता है, वो स्टैंपिंग होने के बाद ही आप तेल दे सकते हैं। कई सारे रूल्स हैं, वो रूल्स फॉलो करना पड़ता है, कई सारे NOC लगते हैं, हर साल NOC आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको मैं और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, सो और मैं आपको अपना पंप का डिटेल्स भी दिखाऊंगा जो जैसा दिखता है वो सब भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।